लोकसभा चुनाव की सियासत के बीच राजधानी दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से थप्पड़ कांड की वापसी हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के दौरान एक युवक ने थप्पड़ मारा है। आपको बता दें कि पार्टी ने इस घटना की निंदा करते हुए केजरीवाल पर बार बार होने वाले इन हमलों के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया है। और साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पिछले 5 सालों में मुझ पर 9 हमले किए गए। केजरीवाल ने साथ ही कहा कि हमले मेरे ऊपर नहीं दिल्ली की जनता पर हुआ है और अगर मुझ पर हमला होता है तो जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले सुरेश के खिलाफ रविवार को आईपीसी की धारा 323 के तहत मामले को भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने युवक सुरेश के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। तो वहीं ये आपका कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। आरोपी की पत्नी ने उसे मोदी का समर्थक बताया है, यानी कि बीजेपी का समर्थक बताया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और बार थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। आरोपी के पत्नी ने मोदी समर्थक बताया है सुरेश को। आपको बता दें कि केजरीवाल को थप्पड़ मारने का एक मामला ये दोबारा से सामने आया है और इसका जिम्मेदार बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल बीजेपी को। और एक बार फिर से ये कह दिया कि मुझ पर जब भी हमला होता है ये मेरे ऊपर हमला नहीं होता है, दिल्ली की जनता पर हमला होता है और जब भी मुझ पर हमला किया जाएगा इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। तो वहीं युवक सुरेश के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आरोपी की पत्नी ने उसे मोदी का समर्थक बताया है। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं जहां केजरीवाल को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। इसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए अरविंद केजरीवाल ने इसका आरोप बीजेपी पर लगाया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो वहीं पूछताछ में आरोपी की पत्नी ने उसे मोदी समर्थक बताया है।